दोस्तों इस वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC से रिलेटेड सुपर 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग ने एग्जाम पे देखा होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन BARC से रिलेटेड हर बार पूछा जाता है। सो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो से आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सो प्लीज़ यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किन्हें कहा जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपने सही सोचा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिर भी ऐसे पूछा गया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि BARC का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप सभी लोग इसके आंसर को बताएं। तो दोस्तों आपने सभी लोगों ने सही इसका आंसर दिया होगा। तो BARC का फुल फॉर्म क्या होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, BARC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपने सही सोचा, BARC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती जी, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, ऐसा कौन सा अनुसंधान केंद्र है जिसके वैज्ञानिक ने भाभा कवच विकसित किया है? दोस्तों इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोगों ने नाम से तो पता कर ही लिया होगा कि भाभा कवच को किसने विकसित किया है, BARC ने विकसित किया है। अब दोस्तों बात आती है भाभा कवच क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, भाभा कवच एक तरह का बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसको किसने बनाया है, BARC ने बनाया है। तो दोस्तों एक बार मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, भाभा कवच क्या है? दोस्तों सैनिकों की सुरक्षा करने के लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट से कितनी बिजली बनाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन पर क्या बोला है, भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट से कितनी बिजली बनाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा 6780। कितनी बिजली बनाता है दोस्तों, 6780 मेगावाट बिजली बनाता है, ठीक है ना। कितनी बिजली बनाता है दोस्तों, 6780 मेगावाट बिजली बनाता है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे स्थित है? तो आप सभी लोग बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों आपने सही सोचा, तारापुर महाराष्ट्र पे भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह स्थित है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र के तारापुर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह किस देश की सहायता से बनाया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह जिसे अपन कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र पे, महाराष्ट्र यानी कि तारापुर पे स्थित है। तो आपको बताना है कि जो तारापुर परमाणु विद्युत गृह है ना, ये किस देश की सहायता से बनाया गया था? तो किस देश की सहायता से बनाया गया था, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की सहायता से बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामनी कहाँ स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर, यहाँ पे क्या बोला है, न्यूट्रॉन रिएक्टर जिसका नाम क्या है, कामनी, और ये कामनी कहाँ पे स्थित है, कल्पक्कम तमिलनाडु पे स्थित है। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब की गई थी? आप सभी लोग को बताना है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी, 3 जनवरी 1954 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई थी। कहीं कहीं पे 6 जनवरी भी लिखा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर 3 जनवरी ही होगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो आप सभी लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। तो दोस्तों आपने सही सोचा होगा, इसका करेक्ट आंसर है कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो कि तमिलनाडु पे स्थित है। दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र है, और मैं आपको बता दूं इसकी स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी, रूस की सहायता से इस परमाणु संयंत्र का निर्माण किया गया था। और इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों,
2000 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो आप सभी लोग को याद रखना पड़ेगा। और कुंडमकुलम कहाँ पे है दोस्तों? तमिलनाडु पे स्थित है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान BARC का पूर्व नाम क्या है? तो यदि मैं आपसे पूछूं कि BARC का पूर्व नाम क्या था, तो आप सभी लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, जो कि BARC का पूर्व नाम है। ठीक है, यानी कि AEET, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। ये जो है तो BARC का पूर्व नेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था ना उस पर पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप इस क्वेश्चन को याद रख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामनी रिएक्टर कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी लोग को बताना है कि कामनी रिएक्टर कहाँ पर स्थित है। अभी मैंने आपको बताया था कि कामनी रिएक्टर कैसा रिएक्टर है? न्यूट्रॉन रिएक्टर है। कौन सा रिएक्टर है दोस्तों? न्यूट्रॉन रिएक्टर है। और कामनी रिएक्टर को BARC और IGCER दोनों ने मिलकर बनाया है, और ये कहाँ पर है? कल्पक्कम तमिलनाडु पर स्थित है। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च क्या बोला है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मुंबई पे स्थित है। और इसका निर्माण किन्होंने किया था? डॉक्टर रतनजी दादाभाई टाटा और होमी जहांगीर भाभा जी ने इसका निर्माण किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिएक्टर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया था? तो किसका डिजाइन किया गया था दोस्तों? उन्नत भारी पानी रिएक्टर का निर्माण किया गया था, यानी कि AHWR का निर्माण किया गया था। तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, भारत में वर्तमान में 22 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पास कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो भारत के पास टोटल 38 परमाणु रिएक्टर हैं, और सबसे ज़्यादा किसके पास है? फ्रांस के पास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्वेश्चन पे क्या बोल है? भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी 10 अगस्त 1948, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 10 अगस्त 1948 इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ थ्योरी वाली बातें आती हैं, तो इसे भी अपन पढ़ लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं? भारत में बिजली उत्पादन के मामले पे न्यूक्लियर पावर प्लांट 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, बिजली उत्पादन पे न्यूक्लियर प्लांट कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पर आता है। अब क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं? भारत चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद बिजली का तीसरा बड़ा उत्पादक है, यानी कि तीसरा बड़ा उत्पादक है बिजली उत्पादन के मामले पे, और उपभोक्ता के मामले पे 6ठा उपभोक्ता है। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा, आप इसे याद रख भी सकते हैं, वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? होमी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं, मैंने इसे कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, BARC की स्थापना कब की गई थी? 3 जनवरी 1954 को की गई थी। ठीक है, पहले इसे AEET के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद पे 12 जनवरी 1967 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नाम क्या कर दिया था? BARC कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ पे स्थित है? मुंबई पे स्थित है, जिसका नाम क्या है? अप्सरा है। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत में कुल कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, तो वर्तमान में भारत में कुल 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। ठीक है, परमाणु ऊर्जा प्लांट हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आता है तारापुर महाराष्ट्र, ये पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र और सबसे पुराना है। और इसकी स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? USA की सहायता से इसका निर्माण किया गया था, और इसका निर्माण कब किया गया था? सन 1969 पे किया गया था।
अब दोस्तों बात करते हैं रावतभाटा राजस्थान, ये दूसरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1973 में की गई थी और इसकी बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट है, ठीक है, जिसे आप NPCIL के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडनकुलम तमिलनाडु। अब यहाँ पे क्या है, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र केंद्र है, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी है? 2000 मेगावाट है और इसे किस देश की सहायता से बनाया गया था? रूस की सहायता से बनाया गया था। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा रूस की करेंसी का वर्तमान नाम क्या है, ठीक है। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि रूस की करेंसी को अपन किस नाम से जानते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है काकरापारा गुजरात, ये चौथा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, ठीक है, और इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? 220 मेगावाट इसकी क्षमता है। अब दोस्तों बात करते हैं कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? कर्नाटक पे स्थित है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं नरोरा उत्तर प्रदेश, तो ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? नरोरा पे ही स्थित है और इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? 400 मेगावाट इसकी बिजली उत्पादन की क्षमता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पक्कम तमिलनाडु, यह अब यहाँ पे क्या बोला है, भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो कल्पक्कम कैसा है दोस्तों? स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा केंद्र है और इसकी 2 इकाइयाँ हैं जिसमें टोटल कितना अमाउंट पर बिजली उत्पादित होती है? 220 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र याद रखने की एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे इन सभी केंद्र को आप याद रख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। आशा करता हूँ दोस्तों मैंने इस वीडियो पे आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन पे इस वीडियो को लेके किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि आपको मेरी यह मेहनत पसंद आती है ना तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके और आप सभी मिलकर एक BARC में जॉब कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।